सबौर और लेलक के बीच चल रहे एनआई वर्क का निरीक्षण करने मालदा मंडल की डीआरएम तनुचंद्रा भागलपुर पहुंची। यहां से वह सीधा सबौर और लेलक पहुंची और एनआई वर्क का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लेलक ममलका और कहलगांव में दोहरीकरण का काम चल रहा है जो इस साल तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्यूल जमालपुर और भागलपुर के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन का काम तेजी से हो रहा है, मार्च के आखिरी तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। स्वचालित सीढ़ी का भी काम महीने के आखिरी तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके पूर्व डीआरएम तनुचंद्रा ने भागलपुर स्टेशन का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण तो अभी मैंने बस शुरुआत ही करी है, लेकिन आज यहाँ पर एनआई का वर्क चल रहा है, वो आप लोग को मालूम ही होगा। भागलपुर से लेके लैलक 14.6 किलोमीटर 14.6 किलोमीटर का सेक्शन है और उसमें बीच में एक स्टेशन पड़ता है सबौर, तो तीनों जगह एनआई चल रहा है और इसके बाद में जो डबलिंग प्रोजेक्ट है हमारा वो कमीशन हो जाएगा। ऑलरेडी सीआरएस का सेंक्शन हमको मिल गया है और ये सेक्शन जो है इसमें डबल लाइन हो जाएगी। उसी का कहां से कहां फ्रॉम भागलपुर टू लैलक ममलखा, और उसके आगे भी जो है लैलक ममलखा से लेके कहलगांव तक वहां भी चल रही है डबलिंग, तो वो भी इस साल में पूरी हो जानी चाहिए। लेकिन अभी ये वाला सेक्शन आपका 14 तारीख को ये पूरा कमीशन है, इसका नॉन इंटरलॉकिंग चल रहा है और भागलपुर का ऑलरेडी कल कमीशन हो गया है। और यहाँ पर जो ये ईस्ट केबल मैं देखने आई थी तो ये इलेक्ट्रॉनिकली इंटरलॉक हो गया है और सबौर में और लैलक में अभी हम देखने जा रहे हैं, वहाँ पर एनआई चल रहा है। 14 तारीख तक ये जो सेक्शन है इसमें डबल लाइन पूरी हो जाएगी। इलेक्ट्रिक कब तक चलेगा, ये पूरा हो जाएगा? इलेक्ट्रिक में अभी टाइम है थोड़ा सा, लेकिन हम इस साल के अंत तक ये पूरा मालदा डिवीजन में सब जगह इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन जो ये आपका क्यूल से लेके जमालपुर और जमालपुर से लेके भागलपुर, इस खंड में तेजी से काम चल रहा है और मेरी समझ से मार्च अप्रैल तक ये भी पूरा इलेक्ट्रिफाइड हो जाना चाहिए और उसके आगे भी काम चल रहा है। मालदा डिवीजन का पूरा मैं कह रही हूँ कि 2020 तक पूरा इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा। ऑलरेडी जो हमारा मालदा से लेके घुमानी जो रूट है उसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पे मालगाड़ी और एक पैसेंजर गाड़ी और एक मेल एक्सप्रेस मालदा हावड़ा इंटरसिटी चल रही है। मैडम स्वचालित सीढ़ी का निर्माण कार्य चल रहा था, कब तक वो पूरा हो जाएगा? वो भी अब काम काफी तेजी से चल रहा है, तो मुझे लगता है कि एक महीने में वो भी काम समाप्त हो जाएगा। और वो भी मालदा में तो ऑलरेडी शुरू हो गया है, कमीशन हो गया है और यहाँ भागलपुर में भी एक महीने में ये काम। अच्छा, जो ट्रेन रद्द है 5 मई कब से चालू हो जाएगी? कौन सी ट्रेन? 5 पैसेंजर ट्रेन रद्द है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेन कैंसिल ट्रेन है, तो एनआई की वजह से रद्द है। मतलब कुछ ट्रेन को तो करनी पड़ती है। कब तक चालू? कब तक? ये 14 से ये हो जाएगा ना, 14 से कमीशन हो जाएगा तो फिर चलने लग जाएंगे। वैसे भी मतलब डबल लाइन हो जाएगी। सनमार्ग के लिए भागलपुर टीम की रिपोर्ट। सनमार्ग भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।